जय जय श्री राधे श्याम। गोपियों ने ठाकुर जी के साथ में छोटा सा रास किया। रास करने के पश्चात सभी गोपियां थक जाते हैं और राधे जी से पूछते हैं, आपने ठाकुर जी को कैसे बुलाया? राधा जी ठाकुर जी को बुलाती हैं, गोपियां ठाकुर जी को बुलाती हैं, क्योंकि ठाकुर जी को बुलाना तभी संभव है जब आप गोपी बन जाओ, अपने मन की इच्छाओं का दमन कर लो, तभी ठाकुर जी आते हैं और सच्चे मन से गुरु मंत्र का जाप करें, उसी मंत्र से ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। तब महाराज विश्वास गुरु मंत्र पर कैसा होना चाहिए? एक राजा थे, बहुत धनाढ्य थे, एक उनके पुरोहित थे, गुरु महाराज थे। गुरु महाराज ने राजा की ही पुरोहित कर्म करते थे, राजा के बालकों ही कोई दीक्षा शिक्षा प्रदान करते थे, क्योंकि ऐसा राजा का आदेश था। तब राजा ने गुरु महाराज से अपने बालकों को और राजा ने स्वयं गुरु मंत्र लिया और एक गरीब व्यक्ति ने सोचा कि गुरु महाराज ने अरे भाई अपने हिसाब से बहुत शक्ति है, बहुत बुद्धि है, गुरु महाराज से भी हम कुछ मंत्र ले लें तब ताकि भगवत प्राप्ति हमें भी हो जाए, हम भी धनाढ्य बन जाए। तब गुरु महाराज अपनी ओर घर के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में एक आदमी सब्जी बेचने जा रहा था। उसने अपने सिर से टोकरी निकाली और नीचे रख के गुरु महाराज को प्रणाम किया और कहा, गुरु महाराज हमको भी भगवत प्राप्ति की ओर ले जाएं, हमारा मार्गदर्शन करें, हमको भी गुरु मंत्र दें। तो गुरु महाराज ने मना कर दिया। मना क्यों किया? क्योंकि महाराज राजा ने मना किया था, केवल आप मेरे ही पुत्रों को, मेरे ही रिश्तेदारों को गुरु दीक्षा देंगे, वही आप पुरोहित कर्म करेंगे। तब गुरु महाराज आगे की ओर बढ़ते, वह गरीब निर्धन आदमी गुरु महाराज को असत्य कहता, महाराज आप लोभी हैं, आप तो केवल धनवान के घर ही जाते हैं, हम गरीबों पर आपकी कृपा दृष्टि नहीं बरसेगी। तब
करके चले जाते हैं। कुछ समय निकलता है, गुरु महाराज उसी रास्ते से आते हैं। तब वह गरीब आदमी सब्जी बेचकर वापस अपने घर को जा रहा था। तब उसने गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए, रुदन करते हुए कहा, गुरु महाराज आप यदि मुझे गुरु मंत्र नहीं देंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तब गुरु महाराज तो महाराज कहने लगे, ठीक है परंतु राजा से मत कहना। तब राजा ने कहा, आपकी जो इच्छा पड़े वह करो। तब महाराज गुरु महाराज ने कहा कि आपको कौन सा मंत्र दूं। तब गुरु महाराज भी भ्रमित हो गए और कहा, अभी आप कहां से आ रहे हैं। तो वह आदमी बोला, मैं सब्जी बेचकर आ रहा हूं। आपकी डलिया में क्या क्या है। तो वह निर्धन व्यक्ति बोलता है, महाराज सब सब्जी बिक गई है, मेरी डलिया में तो केवल एक भट्टा और दो हरे धने की दाल बची है। क्या आपको दीक्षा में लेना है क्या। तब गुरु महाराज ने कहा, नहीं नहीं मुझे दीक्षा में नहीं लेना है, मैं तो आपको बताना चाहता हूं कि आज से तुम्हारा गुरु मंत्र यही है, एक बटा दो धनिया की दाल। तब वह गुरु मंत्र लेकर के अपने घर को चला जाता है। एक समय राजा ने गुरु महाराज को बुलवाया और कहा, हमारे बड़े भ्राता के यहां आपको चलना है, वहां बड़े भ्राताओं को भी मार्गदर्शन कराना है, आपको पढ़ाना है, शिक्षा अध्ययन कराना है, अब वहां चलिए। तब गुरु महाराज कहते हैं, ठीक है। मुहूर्त निकाला और राजमहल से चलने ही वाले थे, कुछ दूर पहुंचे, एक नदी पास में थी, तभी बिजली तड़पती है और मेघ बरसते हैं, बरसात होने लगती है। बरसात इतनी तेज होती है कि नदी अपनी सीमा पार कर गई और अपनी ऊपर की ओर दोनों तरफ बहने लगी। तभी वह निर्धन व्यक्ति सब्जी लेकर अपने सिर पर टोकरी से जा रहा था। अपने सिर पर टोकरी रखकर जा रहा था, तब उसकी दृष्टि गुरु महाराज के ऊपर पड़ी। उसने अपनी टोकरी नीचे रखी और गुरु महाराज को साक्षात दंडवत किया और कहा, गुरु महाराज इस भयावह बारिश में आप कहां जा रहे हैं और यह कौन है, क्या आवश्यकता लग रही है आपको, आप इस नदी के किनारे खड़े हुए हैं। तब गुरु महाराज ने कहा, यह जो राजा है इनके भ्राताओं के बालकों के लिए विद्या अध्ययन कराने जा रहे हैं, परंतु भगवान की कृपा से बारिश हो गई और
और नदी चढ़ गए, अब जा नहीं सकते। तब वह निर्धन व्यक्ति बोला, गुरु महाराज इतनी सी बात, तो टोकरी रखते हैं तो एक गमछा की गोल गोल बना करके सिर के ऊपर रखा जाता है, उससे कहते हैं कोणरी। तब वह अपने सिर पर रखता है तो वह सिर की तौलिया गमछा उतार करके गुरु मंत्र पढ़ता है और नदी के जल में बिछा देता है और गुरु महाराज का हाथ पकड़ के कहता है, गुरु महाराज आप मेरी इस गमछे पे आकर उस पार हो जाइए। तब गुरु महाराज कहते हैं, मुझे मारने की इच्छा है क्या? फिर राजा से कहता है, आप भी आइए। तो राजा कहता है, मैं तुम्हें दंड दूंगा, आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत रखिए। तब गुरु महाराज और राजा विचार करते हैं, कैसा मूर्ख है, इसकी योजना इसके ऊपर ही छोड़ते हैं। तब गुरु महाराज और राजा ने कहा, पहले तुम ही खड़े हो उस गमछे पे, डूबोगे कि नहीं? तब उसने गुरु मंत्र पढ़ा और खड़ा हो गया और गुरु महाराज के और राजा के हाथ पकड़ते ही उस गमछे पे आकर के बैठ गए और गुरु मंत्र पढ़ते ही, गुरु मंत्र क्या था महाराज? उस निर्धन व्यक्ति का एक बटा दो धनिया की दाल। कुछ दूर जाते हैं, राजा की बुद्धि भ्रमित होती है। राजा कहते हैं, मुझे कुछ काम आ गया है, आप उसी पार हमको ले चलो। तब उसने फिर गुरु मंत्र पढ़ा, एक भट्टा दो धनिया की दाल, पीछे चलो। तो वह इस किनारे की ओर आ गए। राजा गुरु महाराज से कहते हैं, क्या महाराज आपको धन की आवश्यकता थी क्या? गुरु महाराज कहते हैं, क्यों ऐसी बात क्यों कर रहे हैं राजन? बार बार असत्य कहते हैं गुरु महाराज को और आखिरी बात कहते हैं, आप मेरे राज में रहते हैं, मैं आपकी सेवा करता हूं, परंतु आपने मुझे गुरु मंत्र गलत दिया है और इस निर्धन व्यक्ति को असली मंत्र दिया है, इसलिए आप लौट चलो। तब महाराज अपने नगर को आ गए और निर्धन व्यक्ति गुरु महाराज के चरण पकड़ के प्रणाम करने लगा, महाराज आपने मुझे असली मंत्र दिया है। तब गुरु महाराज कहते हैं, नकली मंत्र तो मैंने आपको दिया है, राजा को असली दिया है, पर आपने मन से वचन से कर्म से मेरे द्वारा दिया गया यह मंत्र आपने परमात्मा का मंत्र समझा है, इसलिए आपका कल्याण हुआ है। तो महाराज हम भी भगवान की पूजन भजन करें, अच्छा करें, ऐसा नहीं है कि हम एक माला ही चढ़ाएं, एक पुष्प भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन मन से चढ़ाना चाहिए और प्रभु भक्ति में तत्पर रहना चाहिए, मन की एकाग्र चित बुद्धि होना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। तब महाराज गोपियां थक जाती हैं,